अगर आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बड़े बड़े लीडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। Do you feel that? Have you ever felt loneliness in your life? No, I am not actually. हमेशा लोग रहे, कभी नहीं फील किया? नहीं यार। नहीं, मैं एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि है ना, मैं अभी एक ट्रेंड पढ़ रहा था जहाँ पे अंडर द एज ऑफ 30 जो अभी लोग हैं, इनका 61% इंक्रीज हुआ है जिनको लगता है कि वो खुद में लोनली है। हाँ, ओवरऑल जनरेशन को ऐसा लगने लगा कि हम बहुत लोनली हैं, राइट? तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर किसी को इसका जवाब है मेरे पास, सेल्फ पिटी इज द बेस्ट लग्जरी ह्यूमन बींग कैन हैव। ठीक है, आप इसका एक दूसरा पहलू ये है कि गलत बात नहीं है अगर उनको लोनली लग रहा है तो, ठीक है, बस आप ये देख लीजिए कि क्या आप इसको क्यूरेट तो नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत बार हम दुखी होने की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम टीनेज से गुजर रहे थे, क्योंकि हमने देखा था फिल्मों में कि दुखी होते हैं तो ऐसा करते हैं, तो हमने अपनी तरफ से वही सब करने की कोशिश करी कि दुख, अगर अब दुख आ गया है, अब अगर किसी लड़की ने मना कर दिया तो अब मुझे फैल जाना है, जबकि मुझे बुरा लग भी नहीं रहा उतना। यू आर नॉट सैड, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी सैड। ठीक है, उस वक्त अगर मुझसे पूछेगा क्या तुम दुखी हो, मैं कहा भाई आसमान फट गया, मर गए हैं भाई। ठीक है ना, पर जब जीवन में दुख आए तब पता चला कि अरे दुख तो ये है भाई। वो थोड़ी था, है ना, पर वो जब तक सब और बुरा वक्त नहीं आएगा तब तक आपको पिछले बुरे वक्त का अंदाजा नहीं होगा कि ये कितना बुरा था। तो ये उस तरह की बात है। और हाँ, एक सोशल मीडिया और जो जिस तरह की डे एंड एज में हम जी रहे हैं उसके अंदर लोनलीनेस फील करना कोई गलत कोई बड़ी बात नहीं कि 61% लोगों को अकेला तनहा लग रहा है। मैंने पिछले अभी 3 हफ्ते पहले ही एक नज़्म लिखी थी इसके बारे में कि भाई तुमको लगता है तो सबको लगता है ये, इसी डेटा पॉइंट पे कि बहुत सारे लोग हैं। और ये कितनी सुंदर बात है कि अगर सब, सोचो इस सब 61% लोगों को अगर बात करना आता होता तो आपस में बात नहीं कर लेते। सही, इसलिए बोलता हूँ कि इस दुनिया को स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है और उनको रियलाइजेशन नहीं है उसका कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ यार, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो तो क्या सही बात बोली आपने, बिकॉज मेजॉरिटी, मतलब कुछ जो रियल लोनलीनेस के केसेस होंगे उनको अगर छोड़ दो तो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको लोनलीनेस फील ही शायद 3 रीज़न की वजह से करता है, या तो मैं मिसअंडरस्टूड हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, या तो मुझे बोलना नहीं आ रहा है जो मुझे फील हो रहा है, जो फील हो रहा है, ठीक है, और या मेरे आसपास बहुत लोग हैं लेकिन मेरी उनसे इतनी डीप रिलेशनशिप नहीं कि मैं उनसे कुछ बता पाऊँ और बात शेयर कर पाऊँ। डीप रिलेशन कैसे बनेगी? बातों से। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर होगी? अच्छी बातों से। तो वही, क्योंकि इन शायद इन तीनों रीजंस की वजह से ही लोगों को थोड़ा लोनलीनेस फील होता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरे लिए कोई है नहीं, और कोई है भी तो मैं उनको शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, और इन सबका जड़ है कि क्या मैं लोगों से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, क्या मैं उनके साथ बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ और उनको अच्छा महसूस करवा पा रहा हूँ, और ये सीख लिया तो खेल है उसमें दोस्त। दो जीवन में एक ये पार्ट है, एक है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योर फील करते हो अपने स्पेस में, आपका दुनिया से देखने का, मिलने का, बात करने का नज़रिया ही अलग होगा, अलग दुनिया है वो। ठीक है, अगर आप इनसिक्योर हो वो अलग दुनिया है, दिन और रात का फर्क है इन दुनियाओं में। अगर आप सिक्योर हो तो आपका बिहेवियर, आपकी चाल अलग होगी, आपका बात करने का, मिलने जुलने का तरीका, पार्टी में खड़े रहने का तरीका अलग होगा। अगर आप इनसिक्योर हो आपकी चाल, मिलने जुलने का तरीका, आपकी बातचीत, आप जो लोगों से कहोगे वो एकदम अलग होगा। मेरा एक छोटा सा एक आइडिया है जो मुझे बहुत हेल्प करता है इस तरह की सिचुएशन में कि दैट इज स्टूडेंट जाकिर खान, कि कुछ लोग होंगे जिनसे आप सीख ही रहे हो, जिनसे आप मिले, उसी दूसरा मैं बहुत फैन हूँ। तो जब हम अपने आसपास के लोगों में बड़े बनते हैं तो वो इलास्टिक की तरह जब आप खींचते हो अपने आप को तो छोटा बनना भी आना चाहिए। इनसिक्योरिटी तब आपको होगी जब आप बड़े तो बन गए, क्योंकि आप प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी साइज से ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से मालूम है कि आपका साइज तो उतना बड़ा है नहीं। अब ऑटोमेटिकली अगर आपसे कोई ज्यादा पॉपुलर फिगर आ जाएगा तो आपको लग रहा है कि इसको तो मेरा दिख जाएगा साइज इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, ये होगी इनसिक्योरिटी। पर अगर मैं अपनी साइज पे ही चलूं, जो कि बड़ा ही है तेरे दोस्तों के हिसाब से, है ना, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के हिसाब से बड़ा है वो, ठीक है ना, अपने से बेहतर लोगों में छोटा हो जाना, ये हमने हमारी मम्मी से सीखा है, ये संस्कार मेरे को मेरी माँ से मिला है, है ना, ये उनकी परवरिश में मेरे हिस्से आता है और ये मुझे बहुत फायदा मिला है इस बात का।
जिसकी वजह से मैं अपना करता हूँ अपनी काम में, ठीक है। साहब कोई किताब लिखता है, कोई, अब जैसे ये कप है, ये कप किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, ठीक है, इसका जो घुमाव है, ये जैसे चिपका है, ये जैसा बना है, ये बस ऊपर वाले का निज़ाम है कि हम जो काम करते हैं उसकी बड़ी तारीफ है और इनकी नहीं है। एक दौर आएगा जब इसकी बड़ी तारीफ होगी, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं जो हम काम करते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर किसी से सीख लेना, सुन लेना, किसी से पूछ लेना, जाके मिल लेना, ये सब, मैं इससे बड़ा इनहिबिशन फ्री हूं इन चीजों से। ये भी मुझे बड़ा सिक्योरिटी देता है। उसकी एक बड़ी बात यह है कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूं, तो मुझे मालूम है कि किसी भी दिन मेरे आ जाना मेरे इलाके में, तब देख लेना भाई की चलती है उधर तो पर तुम्हारे मामले में तुम्हारी बहुत चलती है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। Thank you so much for watching this episode till the end. For more such clips, please subscribe to Rajshamani Clips channel, because here we get India's top leaders to help you become a better leader for tomorrow.